एवरीवन एंड दिस साइड आकाश राव एंड बहुत सारे लोगों को हिंदी परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह लिखने में, बिब्लियोग्राफी लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदी में। इंग्लिश में मैंने दिखा दिया था तो, बट हिंदी में लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसी के लिए मैं आपके साथ हिंदी का भी सामने ही लेकर आ गया हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि हिंदी में आपको कैसे लिखना है, एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखना है। मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं दिखा दूँगा आपको कि सर्टिफिकेट कैसे लिखना है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है। फर्दर वीडियोज में वो मैं बता दूँगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्नॉलेजमेंट बता रहा हूँ, तो वो वीडियो पाना है तो सब्सक्राइब कर दो और सबसे पहले सुन लो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद एक बार वीडियो देख लो, सुन लो, उसके बाद सेकेंड टाइम वीडियो को स्टार्ट करो और अपने पेज पे लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सुनना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ ही रही होगी, तो एटलीस्ट स्कूल फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को हिंदी में कहते हैं अभिस्वीकृति, तो हिंदी का प्रोजेक्ट है, परियोजना कार्य है, तो आपको हिंदी में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे देख लो, अभिस्वीकृति लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, बड़ा से कलरफुल, जैसे भी हो मार्कर से उसको अच्छे से डिजाइन करना प्रेजेंटेशन के लिए, अभिस्वीकृति। आप पेज के चारों तरफ डिजाइन भी बना सकते हो, ये आपका काम है कि आप डिजाइन कैसे बनाओगे या किसी से बनवाओगे, जैसे भी आपको प्रेजेंटेशन देना है बना सकते हो। मेरा काम है कंटेंट लिखाना, कि आपको ज़रूरी लिखना क्या है, क्योंकि डिजाइन जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी है, लिखने के बाद ही आप डिजाइन बनाओ तो अच्छा रहेगा। सिर्फ डिजाइन बना देने से तो मार्क्स नहीं मिल जाता है जब तक आप लिखोगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद अभिस्वीकृति लिखने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि मैं अपनी यहाँ पे अपनी होगा, सॉरी गलती हो गया है, अपनी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले वीडियो को सुन लो नहीं तो गलती कर दोगे। यहाँ पे अपनी होगा, ठीक है, तो मैं अपनी, अगर आप मेल हो तो अपने लिखना, फीमेल हो तो अपनी लिखना, ऐसे करके समझ जाना। अध्यापक अध्यापिका, अब यहाँ पे देख लेना कि आपके जो सब्जेक्ट हिंदी के जो टीचर है वो क्या आपके सर जी हैं या मैडम जी हैं, उसी के अनुसार अगर सर जी हैं तो अध्यापक लिखना। किसी को, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, किसी लोग, कितने लोग को मैं देखता हूँ कि नाम स्कूल उसके टीचर मैडम है बट वो लिख दिया अध्यापक और मैडम का नाम और उल्टा कर देता है। तो ठीक है, जिसके टीचर मेल है वो अध्यापक लिखना और जो मैडम पढ़ाती है अगर तो अध्यापिका लिखना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे उनका नाम दे देना, ये ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ, उनका नाम जो भी है लिख देना। उसके बाद लिखना का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता चाहती हूँ, अगेन अगर लड़का हो तो चाहता हूँ लिखना और लड़की हो तो चाहती हूँ लिखना, कि उन्होंने इतनी शिक्षा परत परियोजना से मुझे हिंदी के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को क्या लिखा है, मैं बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, ठीक है, जानने को यहाँ पे मिला होगा, जानने को मिला जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना, ये होगा को आप यहाँ लिखिएगा, क्योंकि मेरा टाइपिंग में ऐसा ही होता है, ये यहीं पर आ गया तो उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा चाहूँगी, देख लेना आप चाहूँगा वाले हैं या चाहूँगी है, लड़का हो तो चाहूँगा करना, लड़की हो तो चाहूँगी करना, क्योंकि इस परियोजना को पूर्ण करने में उनके महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश सहायक रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पे सुझाव एवं निर्देश सहायक रही है, ये चीज़ लिखना। सो नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट में ये लिखना कि मैं भविष्य में ऐसे शिक्षाप्रद और परियोजना, या योजना नहीं होगा, एक्चुअली गलती कर दिया, गलती टाइपिंग हो जाता है हिंदी में, और परियोजना उसके आगे परी यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षाप्रद और परियोजना बनाने की आशा करता करती हूँ, अगेन करता करती में आप देख लेना क्या हो आप, हाँ। तो ये चीज़ें इतना ही लास्ट लिखना, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना ही इनफ है लिख देने से। ये आपकी एक फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी ही होगी, कर देना। उसके बाद लास्ट में जो है आप लिख देना यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके लाइन टर्न देना है, शिक्षक शिक्षिका का हस्ताक्षर, आपके जो टीचर है, सर है या मैडम है, उनका यहाँ पे सिग्नेचर, एंड इधर विद्यार्थी का हस्ताक्षर, मतलब आप अपना यहाँ पे योर्स, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, योर्स सिग्नेचर यहाँ पे दे देना होता है। तो यही है अभिस्वीकृति जो लिखना
था, यही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप देख सकते हैं एंड पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो है फिर से वीडियो स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट कीजिए, बस यही है। और अगले वीडियो में मैं आपको और भी बता दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे परियोजना होगा, योजना नहीं होगा, परियोजना होगा, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट कर दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ये सभी के साथ शेयर कर दो, सभी लोग लिख पाएंगे, एंड कमेंट करना कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।